खुश होकर उसने अपने सारे वस्त्र उतार दिए और ऋषि के साथ नाव में ही संबंध बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, रहस्यों से भरी महाभारत में भी बहुत सी ऐसी राजकुमारियां थीं जिनके अवैध संबंध थे। महाभारत काल में राजकुमारियां अपने पति के अलावा दूसरे पुरुषों से संबंध बनाया करती थीं। आज हम आपको कुछ ऐसी राजकुमारियों के बारे में बताएंगे जिनके एक से ज्यादा पुरुष के साथ संबंध थे। शुरू करते हैं नंबर एक से, जो कि महाभारत की एक बहुत ही मर्मुख्य पात्र थी, मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा को लोग सत्यवती के नाम से जानते हैं। वे बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, जिसकी वजह से राजा शांतनु ने उनसे विवाह कर लिया। शादी के बाद सत्यवती के दो पुत्र हुए, जिनका नाम विचित्रवीर्य और चित्रांगन रखा गया। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि सत्यवती को एक तीसरा पुत्र भी हुआ था। उस पुत्र का नाम व्यास था। द्वापर युग के दौरान एक ऋषि पराशर एक दिन यमुना नदी पार करने के लिए एक नाव पर सवार हुए, लेकिन खुशकिस्मती से उस दिन मछुआरे धीवर की जगह उसकी पुत्री सत्यवती नाव चला रही थी। सत्यवती शुरू से ही बहुत सुंदर थी। ऋषि पराशर उसकी खूबसूरती देखकर मोहित हो गए और उनसे संबंध बनाने की बात कर दी। यह सुन सत्यवती बहुत अचंभित हो गई और ऋषि को संबंध बनाने से मना कर दिया। पर ऋषि उसकी सुंदरता पे इतना ज्यादा मोहित हो गए थे कि वे बार बार सत्यवती से संबंध बनाने की बात करने लगे। काफी बार कहने पर सत्यवती ने ऋषि को हाँ बोल दिया, पर संबंध बनाने से पहले उनके सामने तीन शर्तें रख दी। सत्यवती ने पहली शर्त यह रखी कि ऐसा काम करते हुए उन्हें कोई न देख पाए। यह सुन ऋषि ने तुरंत हाँ कर दी और उस जगह को एक सुनसान द्वीप में बदल दिया। सत्यवती ने दूसरी शर्त यह रखी कि उनका कुंवारापन भंग नहीं होना चाहिए, जिस पे ऋषि ने मंत्रों द्वारा उनको एक वरदान दिया कि संतान होने के बाद उनका कुंवारापन उन्हें वापस मिल जाएगा। सत्यवती ने तीसरी शर्त यह रखी कि उनके शरीर से जो मछली जैसी सुगंध आती है वह एक मधुर सुगंध में बदल जाए। यह सुन ऋषि ने माया से वहां का सारा वातावरण सुगंधित कर दिया। सारी शर्त पूरी होने के बाद सत्यवती ने ऋषि के साथ नाव में ही संबंध बनाया, जिसके कुछ महीने बाद उनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम कृष्ण ध्रुपायन रखा गया, जो आगे चल के महान ऋषि वेद व्यास के नाम से जाने गए। नंबर दो, अंबालिका और अंबिका। सत्यवती और राजा शांतनु के दोनों पुत्रों का विवाह अंबालिका और अंबिका नमक स्त्रियों से हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ही उन दोनों की एक युद्ध में मृत्यु हो गई थी। यह देख सत्यवती बहुत निराश हुई। वे अपने वंश को मिटने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने अपने तीसरे पुत्र व्यास को बुलाया और अपनी दोनों बहुओं से उनकी शादी करने की बात करी। अंबिका जब व्यास के पास गई तो उनका तेज देख बहुत ज्यादा डर गई और अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं जब अंबालिका व्यास के पास आई तो उनका रंग रूप देख वह भी बहुत डर गई। दूसरे दिन ऋषि व्यास ने सत्यवती को बताया कि अंबिका से जो पुत्र होगा वह अंधा होगा, वह अंबालिका से जो पुत्र होगा उसके रोग होंगे। यह सुन सत्यवती ने अंबिका को दोबारा व्यास के पास भेजा। अंबिका ने डर की वजह से वहां एक दासी को भेज दिया। दासी से संबंध बनाने के बाद व्यास सत्यवती के पास गए और उनको बताया कि इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वे बहुत ही शक्तिशाली होगा और उसका नाम विधुर रखा जाएगा। वही अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से राजा पांडु का जन्म होगा। फिलहाल आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। जय श्री कृष्णा।